किया जाए और उस दौरान माही का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि जो माही कर सकते हैं वो कोई नहीं, यह बात अक्सर उनके फैंस कहते रहते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को टीम में शामिल करने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अपने रूल्स तक में बदलाव करना पड़ा था, और यह बदलाव ने ही माही को भारतीय क्रिकेट टीम से जोड़ने का काम किया। दरअसल क्रिकेट इतिहास जुड़ा एक किस्सा यह भी है। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा नाम है जिनकी गिनती दुनिया के सफलतम कप्तानों में से की जाती है। बता दें कि धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने 3 ICC खिताब अपने नाम किए। उन्हें विश्व क्रिकेट में हमेशा से एक चालक कप्तान के रूप में देखा जाता है। वहीं फैंस उनकी शानदार बल्लेबाजी के भी कायल हैं। लेकिन आज हम आपको धोनी के करियर से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो आपने शायद सुनी भी नहीं होगी। क्या आप जानते हैं धोनी को टीम इंडिया में शामिल करने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अपने रूल्स में बदलाव करना पड़ा था? आखिर क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। बताते चलें कि BCCI ने साल 2002 में TRDW नाम की एक योजना की शुरुआत की थी, जिसका काम भारत में युवा खिलाड़ियों को तराशने का था। इस योजना के तहत खिलाड़ियों की उम्र 19 साल निर्धारित की गई थी। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तब उम्र 21 साल की थी, लेकिन फिर भी वे उन्हें टीम में शामिल किया गया। इसके पीछे काफी दिलचस्प कहानी है। दरअसल बिहार की टीम में बंगाल के खिलाफ एक मैच खेल रही थी, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी भी टीम का हिस्सा थे। धोनी बिहार की तरफ से खेलते ही गेंद बार बार स्टेडियम के बाहर पहुंचा रहे थे, जिससे बंगाल के पूर्व कप्तान प्रकाश पोद्दार भी हैरान थे। जिसके बाद प्रकाश पोद्दार के आग्रह पर तत्कालीन BCCI अध्यक्ष वेंग सरकर ने फैसला किया कि प्रतिभाशाली खिलाड़ी के लिए नियम नहीं आने चाहिए। पोद्दार के कहने पर वेंग सरकार ने 19 साल की उम्र के नियम को बदल दिया। बता दें TRDW की स्थापना 2002 में भारत के पूर्व राष्ट्रीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने की अध्यक्षता में की गई थी। जगमोहन डालमिया BCCI अध्यक्ष थे। हालांकि TRDW अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिनकी उम्र 21 वर्ष थी और चूंकि ये जो योजना थी वो 19 वर्ष के लोगों के लिए ही थे, तो उनके लिए इस योजना में बदलाव किया गया और उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम का एक अभिन्न हिस्सा बनकर महेंद्र सिंह धोनी हमारे सामने निकल करके आए। और आज हर किसी की जुआ पर केवल माही का नाम चलता रहता है। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।